जकड़ लो उसको तेज के साथ में, जोर से बोल, मुझे सुनने आ रहा, तुझे छोड़ना क्या, क्या करना, छोड़ो क्या, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ो। कितने से वर्ष से परेशान कर रहा तुम, कितने साल से, कितने साल, कितने, छह साल, सोलह, क्या तकलीफ देता था उसको, क्या करता था, साई कृष्ण को क्या करता था, तो साई कृष्ण को क्या तकलीफ देता था वो, सब कुछ क्या, शरीर के अंदर, हाँ, खराब कर दिया। कहाँ से लाए थे तुझे, शमशान से, कब्रस्तान से, शमशान से, नाम नहीं पूछा मैं, सिर्फ औरत लाई, आदमी लाया, कौन लाया बता, कौन लाया था, आदमी, आदमी, इसका कौन था, माँ की तरफ से रिश्ते में था, बाप की तरफ से था, क्या दोस्ताने में था, माँ की तरफ से, क्या माँ की तरफ से रिश्ते में था, दुश्मनी कही की थी, जमीन जायदाद की थी, घर पलाट की थी, कही की थी, जमीन, कही की जमीन, अच्छा तुझे कौन से गांव के शमशान से लाए थे, नाम, नाम वहां के शमशान के गांव का नाम, क्या नाम था, क्या पूछा मैं, जवाब डाल दे, कौन सा गांव, कौन सा, आरमूर, 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 जादूगर को कितने पैसे दिए थे जब जादू चलाते वक्त, 17,000, अच्छा बच्चे का क्या लेकर गए थे जादू चलाते वक्त, पूरा शरीर ने एक कर दिया, क्या करा, कृष्णा का क्या लिए थे जादू चलाते वक्त, सब कुछ, दिमाग, शरीर, वो तो उसके शरीर को, दिमाग को, सबको तेरे कंट्रोल में ले लिया, मगर टेबू लाते वक्त इसका कपड़ा, बाल, मट्टी, चप्पल क्या ले गए थे, क्या लिए थे, कहाँ की, घर की, अच्छा कृष्णा को कभी मिला खिलाए थे, का नाम उसका, कृष्णा, साई कृष्णा, साई कृष्णा को कभी मिला खिलाए थे, खाना रे, कौन सा खाना था वो, रोटी, और उसके साथ, दाल था, सालन था, क्या था रोटी के साथ में, भिंडी, तो रोटी का था, जवारी का था, गेहूं का था, जवारी, तुम्हारे गांव में जवारी के रोटियां बनते क्या, जकड़ लो इसको, कृष्णा के घर से कितने लोगों को मारने वाला है, और कितनों को मारा अभी तक, कितने लोगों को मारा उसके घर से अभी तक, नहीं मारा घर में, घर में क्या परेशानी कर रहा था उसके, तू सबको परेशानी कर रहा हूँ, और क्या परेशानी, जोर से, सबको परेशानी, तबियत, हाँ, और शादी, और पैसे, और जिंदगी बर्बाद, जकड़ के रखो उसको और तेज से, साई कृष्ण को कब मारने वाला था तू, अम्मास में, पुन्नम में कब मारने वाला था, पुन्नम,
कैसा मार रहा था, सुसाइड करा के, बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करा के, कैसा सुसाइड में? हाँ सुसाइड में। कैसा सुसाइड में? क्या करा रहा था? क्या सुसाइड में? कौन सा सुसाइड करा रहा था? क्या करा रहा था? कुछ पिला के मारने वाला था, एक्सीडेंट करा के मारने वाला था, लटका के मार देने वाला था, कैसा लटका के? अच्छा फंदा डाल के। क्यों ले रहा है उसकी जान? तेरा घर जलाया क्या उन्होंने? मेरा जमीन ले लिया। अच्छा जमीन लिया बोल के दुश्मन? कितनी जमीन है वो? एक एकड़। खाली एक एकड़ के वास्ते? चलो इसको बन के डाल दो, इसको मार मार सब नष्ट करेंगे और इसको खत्म करा के बाहर निकाल के फेंको। इसके अंदर की सारी दवा उतार के साथ में, इसके अंदर की सारी दवा को जकड़ लो और उतार के साथ में सारी दवा बाहर निकाल के फेंको। जैसे जैसे उतारो चलो वैसा वैसा। चलो अब तेरे पूरा नष्ट करेंगे हम, अब जकड़ लो तो भगाओ यार। चलो नाला कुछ मनमान करो लोग जाना लेना। चल अब दूसरी चक्कर तक सब याद करके आके सुनाना मेरे को लोगों के नामा। अब क्या क्या चीजा लेके गए थे तो अभी तक याद करने के वास्ते भेज रहा हूँ मैं। चल अब जा। अरे साई कृष्णा पानी पियो। आ हो गया साई कृष्णा उधर से पूरा किया। अभी तुम्हारे आग में आया था और आग सवाल जवाब करके गया। कुछ तो भी तुम्हारे क्या बोल रहा था कि वो इसमें रिकॉर्डिंग में तुम्हारे जमीन वमीन का कुछ चक्कर चल रहा था, एक एक करके टुकड़े को सर तुम्हारे जादू कर दी थे और ये 16 वर्ष पुराना सब कुछ वो बोल रहा था अंदर का। तो क्या तकलीफ होती थी? पूरा शरीर पूरा अंदर अंदर से पूरा दुबई 2015 में दुबई गया उस टाइम में अच्छा था, उधर जाने के बाद पूरा अनकॉन्शियस हो गया। तो अभी से नहीं ये बता रहा, ये बहुत पहले से जादू करने चल रहे से बताया उसने, मतलब आगे तो और भी तफसील से पूछूंगा मैं। और वो बोल रहा था कि कुछ ला कर करके खिलाए। किसमें खिलाए? चल बात क्या रोटी सुन रहे थे ना, क्या बोला उसने? कौन सा रोटी बोला उसने? तुम्हारे जवारी का। और उसके साथ में क्या बोला कि रिकॉर्डिंग में देख लो। और उसके अलावा क्या बोलते तो काया दुश्मनी थी, ऐसे कुछ बता रहा था। क्या तकलीफ होती थी इससे पहले? और अंदर पूरा शरीर पूरा ताकत पूरा शरीर नहीं। अच्छा इससे पहले बताए थे कि सब जगह इलाज हो, दुआ पानी हो, कहीं हाजिर हो के सवाल जवाब किया क्या उसने? नाम वाम बताया क्या कहीं आके? नाम वाम कुछ नहीं बताया। अच्छा खाली लोग उनके जबानी बोलते थे जिनका नहीं कि तुम इलाज हो जाते थे तो इलाज वाले अपनी जबानी बताते थे। तुम्हारे अंग में आगे कभी सवाल नहीं है? तुम यहाँ कितनी बार आए? पहली बार है, दूसरी, तीसरी? पहली बार में जा रहा था। कैमरा लेते सर के सबका अलग अलग रहता है। इनका पहली बार में चाहे पहली बार में जिनका सामने आया आके सवाल जवाब कर दिया, कौन डाले क्या डाले बता दिया उन्हें, कितना पुराना था क्या है सारी दास्तान। ऐसा रहता सबका अलग अलग रहता, किसी का पहले चक्कर में आता, किसी का दूसरे राउंड में हाजिर होता, किसी का तीसरे राउंड में हाजिर होता। ये सब कुदरत के ऊपर यहाँ डिपेंड करते मसले, किस पे क्या मसला कर उस हिसाब से कुदरत अपने हिसाब से सामने ला के तुम्हारा बताते। और एक बात के सबके अलग अलग अमल रहते, सबके अलग अलग तरीके से, जो भी है उस हिसाब से और हदीस नमाज कुरान ये सब चीज़ों की, कुरान नमाज हदीस ये सब चीज़ें ज़्यादा याद करना, घर के अंदर एक तालीम का मामूल बनाना, ईशा के नमाज के बाद में सोने से पहले रात में अगर तुम सूर्य यासीन पढ़ के सोएंगे तो दिन निकले तक तुम्हारी हिफाजत होंगी, और तुम अगर दिन निकलने के बाद सूरज निकलने के बाद सूर्य यासीन एक बार पढ़ लोगे तो सूरज डूबे तक तुम्हारी हिफ्ज़ो अमान में तुम अल्लाह करेंगे हिफाजत होंगी तुम्हारी, कोई बाल भी तुम्हारा बाका नहीं कर सकता। इसलिए ये सब चीज़ों को याद करो और दुआ मोमिन का हथियार है, दुआएं याद करो, चलने की फिरने की खाने की पीने की दुआएं तुम याद करेंगे तो तुम्हारे पे कोई जादू टोना नहीं चला सकेगा। तुम जो भी दुआ पढ़ के घर से बाहर निकलो तो तुम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के हवाले, फिर अल्लाह तुम्हारा ही निगहबान है, तो फिर तुम पर कोई थोड़ी जादू चला सकेगा अगर तुम दुआ पढ़ के निकलेंगे अपने आप को उसके हवाले सौंप के निकले तो। और एक बात याद रखना कि दुआएं नहीं पढ़ेंगे और जादू चल जाने के बाद में दुआ पढ़ने की कोशिश करेंगे तुम आपको उसके करीब नहीं जान देते, फिर शयातीन ना जादू टोने ये तुमको इबादत नहीं करने देते, और तुम पहले से इबादत करते रहेंगे तो ये तुम्हारे नजदीक नहीं आते, और ये एक बार तुमको आके तुम्हारे पे मबूस और तुमको मलूस हो जाएंगे, तुम उस बयान को तुम्हारे अंग में घुस जाएंगे और तुम पे फिर जब जादू टोना चल जाएगा फिर उसके बाद तुम इबादत की रस्सी को पकड़ने के जिनको रस्सी को शैतान तुम पकड़ने नहीं देते बला बतना, यानी कि तुम्हारे को बेचैन कर देते उसके करीब नहीं जान देते। और तुम अगर पहले से इबादत को मजबूती से थाम करेंगे तो तुमको
तुम्हारे नजदीकी चीजें नहीं आ सकती, और आप भी गए तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करके बचा लेता तुम्हारे, क्योंकि तुमने अल्लाह को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, और जब अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी लिया तो फिर क्या है कोई, जब वो हिफाजत की ठान लेता है तो मकड़ी की चादर तान देता है, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राह दे देता है, वरना जान तो एक मामूली मच्छर भी ले लेता है। ये सब जो तीनों बातें बताया ना मैं, मुकद्दर में मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राह दे देता है, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील ने राह दे दी थी अल्लाह के हुक्म से, मकड़ी की जब वो हिफाजत की ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता, गारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गार के अंदर पनाह लिए थे आपने तो वहां पर पता है ना मकड़ी की चादर तानने लगा दिया था अल्लाह ने। और मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो, और अगर वरना जान तो एक मामूली मच्छर भी ले लेता है, नमरूद का वाकया पढ़ो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब ने कैसा मच्छर में तमाशा करके फिर उसकी जान दिया था। ये सब बातें हैं, खैर अल्लाह कहेंगे सुनने का सबको मिल रही टॉपिक दे रोको।